की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, तीन आतंकियों को सेना ने मार गिराया। सेना पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में मिली कामयाबी। आज शाम लाइव होंगे बॉलीवुड के कई सितारे, फिल्मों की रिलीज पर करेंगे बड़ा अनाउंसमेंट। कोरोना काल में नहीं रिलीज हुई कोई भी फिल्म। लॉकडाउन में बड़े समारोह पर प्रतिबंध से डीजे और बैंड सर्विस परेशान, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुंगेली कलेक्टर को सौंपा। रायगढ़ में आंदोलित हुए सब्जी व्यापारी, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, व्यापार के लिए समय बढ़ाने की मांग। गलवान घाटी के बाद अब पेंगोंग झील पर ड्रैगन की नजर, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ बड़ा खुलासा, भारत की मजबूत मोर्चेबंदी देश में नहीं। और देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, संक्रमितों की संख्या हुई करीब 5,49,000, अब तक 16,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। की न्यूज खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से जुड़े देशभर के सीएसए ग्राम पंचायतों और नगरीय प्रशासन के कामकाज में कसावट और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सी वनोपज हैं जिनकी पैदावार देश के अन्य हिस्सों में नहीं होती है। वर्तमान में इन वनोपजों को संग्रहण के बाद इनका प्रसंस्करण छत्तीसगढ़ के बाहर होता है। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इनके प्रसंस्करण के लिए निवेश छत्तीसगढ़ में लाने की पहल करते हैं तो इससे प्रदेश के उत्पादकों और संग्राहकों को लाभ मिलेगा और इनका निर्यात अन्य हिस्सों में करने से वहां की जरूरत की पूर्ति भी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा रिसर्जेड छत्तीसगढ़ विषय पर आयोजित वेबिनार में देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई जिसमें तीन आतंकी मारे गए। सेना ने पुलिस के साथ मिलकर तीन आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। आज के मुठभेड़ के साथ ही इस साल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 116 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें से 38 आतंकी सिर्फ इस महीने मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने रूनीपोरा इलाके में संयुक्त ऑपरेशन में आतंकियों को ढेर किया। घटना स्थल से राइफल और पिस्टल बरामद की गई। देश में पेट्रोल डीजल के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि 23वें दिन भी डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ। बता दें कि जहां पेट्रोल 5 पैसे तो वहीं डीजल 13 पैसे का इजाफा हुआ है। यूं तो पेट्रोल की कीमत से ज्यादा डीजल की कीमत होने से समाज के हर वर्ग में नाराजगी देखने को मिल रही है और हर वर्ग में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसके बावजूद शनिवार 29 जून को भी सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की। कोरिया महिला सेल पुलिस जागरूकता अभियान चलाते हुए कोरिया पुलिस ने महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया, अनजान व्यक्ति को अपने एटीएम के बारे में ना बताएं और एटीएम से पैसा निकालते वक्त अनजान व्यक्ति को अपने पिन कोड की जानकारी भी ना शेयर करें। साथ ही उन्होंने बताया कि ना ही उसे पैसा निकलवाएं। साथ ही ये भी बताया कि अगर कहीं पर अवैध रूप से दारू की बिक्री और नशे की हालत में जो व्यक्ति महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अपमानजनक बातें करता है तो उसकी सूचना पुलिस को तत्काल दें जिससे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस और जो भी ग्रामीण जनता हो चाहे शहरी जनता हो सीधे उनसे संपर्क करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से हम लोग निर्देश में रहे और इसी निर्देश के परिपालन में मैंने आज यहाँ पर और अपने साथी स्टाफ कर्मचारी अधिकारियों के साथ में आकर के किसानों और आम लोगों के लिए रायतुम आसपास के ग्रामीणों और किसानों के लिए इन दिनों
झलप जाने के लिए 30 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। बता दें कि रायतुम से झलप की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। बता दें कि पिछले साल रायतुम से झलप मार्ग में बने पुल पिछले बारिश में टूट जाने के कारण कई व्यक्ति दुर्घटना के शिकार हुए थे। एक वर्ष बाद लोक निर्माण विभाग ने क्षतिग्रस्त पुल को बनाने के लिए 10,90,000 की स्वीकृति कर काम चालू किया, पर पुल अभी तक नहीं बन पाया है, जिससे ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। ग्राम पंचायत रायतुम सरपंच और पूर्व सरपंच रमन सिंह ने लोक निर्माण के अधिकारी से इस क्षतिग्रस्त पुल को जल्द से जल्द बनाने के लिए लोक निर्माण के अधिकारियों से बात की, जिस लोक निर्माण के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लेने आए और ठेकेदार नटवर लाल अग्रवाल को एक हफ्ते के अंदर पुल बनाने का आश्वासन दिया। ज्यादा एक हफ्ता में देने पूरा कोशिश सर, लेकिन बहुत लेट लपाट हो रहा है, नहीं है ऐसा? नहीं है तो नहीं हुआ है, सेंशन हुआ है, टेंडर टेंडर लगते हैं, बरसात में भी चालू। धमतरी के कुरूद में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री कुरूद विधायक अजय चंद्राकर के सद्बुद्धि के लिए कुरूद भाजपा कार्यालय के सामने गोबर से लिपाई कर हवन पूजन नारेबाजी कर कहा कि अजय चंद्राकर का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के गोबर खरीदने की बात पर सोशल मीडिया में इस योजना की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। विधायक अजय चंद्राकर ने गोबर पर छत्तीसगढ़ सरकार को नसीहत देते हुए ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान राजकीय चिन्ह को नरवा गरवा घुरवा बारी की अपार सफलता और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में गोबर के महत्व को देखते हुए इसे राजकीय प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए। हमारे जिले के पूर्व मंत्री श्री अजय चंद्राकर जी ने पोस्ट किया था जिसमें हमारे राजकीय चिन्ह उन्होंने उसका तुलना किया था गोबर से। गोबर हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही शुद्ध, जो घर में लिपाई पुताई के समय शुद्धिकरण के लिए उपयोग में किया जाता है, उसके वो तुलना किए थे, जिसका उसके जो अभी उनका मानसिक संतुलन है वो समझ आता है कि किस चीज़ का कहाँ से तुलना कर रहे हैं। तो हम लोग वही नाम से आज उनके कार्यालय के सामने शुद्धिकरण के पहले कार्यालय का जी की कभी की डेट में वहाँ अंदर जाए तो उनके मन को शांति मिले। और इसी बीच दुर्ग से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। हत्या करने के बाद नाले में फेंका गया शव, दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मृतक महिला की उम्र 35 के आसपास बताई जा रही है। पाटन ब्लॉक के एक नाले में शव मिला है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नाले में मिला अज्ञात महिला का शव, हत्या करने के बाद नाले में फेंका गया है शव। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, मृत महिला की उम्र 35 से 40 के बीच बताई जा रही है। 35 से 40 साल के बीच महिला की उम्र बताई जा रही है। पाटन ब्लॉक के एक नाले में महिला का शव मिला है। दुर्ग से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हत्या करने के बाद नाले में शव फेंका गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। मृत महिला की उम्र 35 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक सावल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, महिला की हत्या करके नाले में फेंक दिया गया है, अभिषेक आपको मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? जी। महिला की हत्या करके नाले में फेंक दिया गया है, क्या है पूरा मामला? ये मामला ऐसा है कि हत्या करके महिला को 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है महिला की उम्र, और इस जो अभी पतासाजी कर रहे हैं, अभी पांच थानों में इसकी एक टीम बना दी गई है, और वह पांचों थाने की टीम जो है वो पता कर रही कि महिला का पतासाजी कर रही है कि वो कहाँ की है महिला। अभी तक महिला की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है कि कहाँ की रहने वाली है, कहाँ ऐसा कुछ? जी अभी नहीं पता चल पाया है, पुलिस पतासाजी करने में मदद करते हैं। पुलिस ने अब तक पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है? पुलिस ने टीम बना दी है, पांच थानों की टीम बनाई है पुलिस ने, और सभी को भेजा गया है, अभी महिला का पतासाजी करा जा रहा है। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। दुर्ग से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां महिला की हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया गया है।
35 से 40 साल के बीच महिला की उम्र बताई जा रही है। पुलिस की 5 टीमें बना दी गई हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां मानव अधिकार कार्यकर्ता सोनी सोरी ने पुलिस पर जान से मारने का आरोप लगाया है। सोनी सोरी ने बताया कि पुलिस उनको नोटिस भेजकर घर से बाहर न निकलने की धमकी दे रही है। सोनी सोरी का कहना है कि सीआरपीएफ के जवानों ने 17 आदिवासियों की हत्या की है और वहां आदिवासी एक स्मारक बनाना चाहते हैं, जिसके लिए पुलिस उनको मना कर रही है। एक दो रोज की बात नहीं है, मैं पूरे हमारे बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाह रही हूँ और प्रदेश भर की जनता के साथ। क्या एक दो दिन की बात नहीं है, ये मेरे को काफी दिन से परेशान कर रहे थे, लेकिन मैं उस परेशानी से लड़ना सीखा है, तो मैं उसको अनदेखा करके मैं चलती रही। लेकिन कल से जो 28/6/2020 है, इससे पहले जो सरकेगुड़ा का जो कांड हुआ, आयोग ने वहाँ मतलब आदिवासी निर्दोष है ये होने का उन्होंने एक वो दिया, तो एक प्रकार से बहुत बड़ी जीत थी। उस जीत के इस पे हमारे आदिवासियों के साथ क्या होता रहा, उस इतिहास को रचने के लिए हम कल सरकेगुड़ा में जाने की तैयारी में थे। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माधव, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंदर चौहान, अजय रमन, रजनीश त्रिपाठी की न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। खुदी को आजमाया कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अब्रार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जय कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above.
Join the Indian Air Force to be a cut above. आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है के न्यूज़ की खास पेशकश में। आज हमारे साथ हैं शाहजहांपुर से समाज सेवी गुरफान खान, जो प्रधान पद के उम्मीदवार भी हैं और ग्राम शहबाज नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जब गांव के किसी प्रकार की दिक्कत आती है, गांव में जैसे बिजली या कोई बेरोजगार की समस्या, तो उनकी मदद करने के लिए समाज सेवी गुरफान खान आगे आते हैं। गुरफान खान भली भांति जानते हैं समाज सेवा करना। गुरफान खान जी, आपका बहुत स्वागत है के न्यूज में। देखिए, हमारी तरफ से सभी के न्यूज दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अपनी बात रखने का के न्यूज के माध्यम से मौका दिया गया। सवाल आपसे यह है कि आपके मन में समाज सेवा का भाव कब आया? देखिए, जब हमने देखा है कि ज्यादातर गरीब किसान का उसमें लगाना रहता, तब मेरे मन में सवाल आया कि अब मुझे कमान संभालनी पड़ेगी। तब मेरे मन में सवाल आया, तभी से मैंने समाज की सेवा करना शुरू कर दी। और जो गरीब तबके के लोग थे, जो किसान थे, मजदूर थे, इनकी आवाज उठाना मैंने चालू कर दी। मैंने कहा इनको अधिकार दिलाते ही रहेंगे। आज आजकल गरीबों और मजदूरों की आवाज दबाने के लिए काफी लोग, बड़े बड़े लोग नेता बन जाते हैं, जो गरीब किसान मजदूर की आवाज दबाना चाहते हैं। तो मैंने लगातार अपनी जान की बाजी लगाकर मैंने उन लोगों की लड़ाई लड़ी है जिन लोगों को लगातार दबाया गया, इनकी आवाज को दबाया गया। गुरफान जी, आप इस लॉकडाउन जैसी वैश्विक महामारी के दौरान आप लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं, किस तरह से उनको राशन मुहैया कराया जा रहा है और क्या कुछ मदद कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोगों जैसे लॉकडाउन पहले दिन से हुआ था, मुझे पता लगा था लॉकडाउन होने वाला है, तो हमने लोगों को पूरी तैयारी की थी। हर एक एक के घर पर जाकर हम लोगों ने उनका हाल चाल जाना, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में जाना, और जो भी हमसे हो सका हमने उनके जो है व्यवस्था कराई, खाने की व्यवस्था कराई, उनकी भाषण की व्यवस्था कराई, हर तरीके से दवाई की व्यवस्था कराई, जो जिस लायक हमें लगा मैंने उसकी हर संभव मदद की। गुरफान खान जी, समाज सेवा में आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और समाज सेवा के दौरान आपने समाज सेवा का बीड़ा उठाया है, समाज सेवा कर रहे हैं आप, तो आपको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता होगा? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे गांव शहबाज नगर को ग्राम पंचायत गदरौल ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत शहबाज नगर है। इस गाँव को नवाब निजाम अली शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है पूरे भारत में। पर इस गांव की हालत ऐसी है, जो मेन रोड है वो नदी और नालों में तब्दील हो चुके हैं पूरी तरीके से। यहाँ के प्रधान चंपा देवी आए थे, हम उनके खिलाफ जो है इतना आवाज उठाते रहते कि जो काम सरकार की तरफ से शहबाज नगर के लिए पैसा दिया गया था वो उन तारों में नहीं खर्चा करके प्रधानपति ने अपने निजी तारों में खर्च किया पैसा। गुरफान खान जी, आप प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं, आप प्रधान पद की दावेदारी कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप गांव वालों के बीच में जाएंगे और क्या किन उम्मीदों को गांव वालों के सामने रखेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा एक ही है कि किसान को उनका अधिकार, जो किसान को सही मूल्य है उनकी फसल का वो सही मूल्य मिलना चाहिए, गरीब मजदूर को जो सरकार की तरफ से योजनाएं दी जा रही है उनका पूरा लाभ उनको मिलना चाहिए सही तरीके से, उनके संग किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके संग लूट खसोट नहीं होनी चाहिए, और पूरी तरीके से जिस तरीके से सरकार ने हमारे गरीब मजदूर किसान के लिए योजनाएं चलाई हैं वो पूरा लाभ उनके तक पहुंचना चाहिए। जी, बिजली और रोजगार के लिए गुरफान खान जी आप क्या कर रहे हैं, किस तरह के प्रयास कर रहे हैं, किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? देखिये, बिजली की व्यवस्था तो अभी तक तो हमारे शहबाज नगर में थोड़े दिन तक तो सही रही, जब से ये किसान का धान लगना चालू हुआ है बिजली व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि आए दिन लाइन जो है बैठ जाती है, किसान को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हमने इसकी आवाज भी उठाई और हम लोगों ने इसकी आवाज उठाई, लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे शहबाज नगर को बिजली बिल्कुल सही तरीके से दी जाए जिससे किसान अपनी फसल को सही तरीके से कर सके। और किसान काफी परेशान है, जब किसान अपनी फसल तैयार करता है और तैयार करने के बाद में जब वो मंडी को ले जाता है तो उसको सही मूल्य नहीं मिलता है, और जब सही मूल्य मिलने का समय आता है तो किसान लोग हड़ताल पर, गन्ने लोग हड़ताल पर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे। सर, किसानों की समस्या को लेकर, किसानों की समस्याएं आप उठाते होंगे, किसानों को लेकर मंडियों में जाते होंगे, क्या कुछ आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस दौरान?
देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश के अनुसार हम लोग ने अभी हमने प्रदर्शन भी किया था, किसानों की समस्या भी हमने प्रदर्शन की, जिसमें समस्या किसानों की बताई थी। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है और यही कि किसान को सही मूल्य नहीं मिल पाता है। जब किसान अपनी फसल को मेहनत खून पसीने की कमाई से तैयार करता है तो बड़े लोग हड़ताल पर चले जाते हैं। और गुरफान खान जी, और सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, सरकार से क्या कुछ उम्मीद है आपको? देखिए सरकार से मुझे बहुत उम्मीदें हैं और हमारे ग्राम वासियों भी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। हमारी उम्मीद यही है कि सरकार जो ग्राम प्रधान को विकास के लिए पैसा दिया गया उस विकास कार्य में सही तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया जाए और जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर जो है कड़े निर्देश दे दिए जाए कि जो भी भ्रष्टाचार में संबंधित होगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो जनता को काम दिया गया है, जिस तरीके से जनता के लिए पैसा दिया गया है, वो जनता के ही कामों में खर्च किया जाए। जैसा कि आपको बता दें सहवाग नगर को काफी रुपया दिया गया जो नेता लिखित रूप में है, वहां पर जमीनी हकीकत जब देखी गई तो वहां पर आज भी नदी नाले बने हैं, जो मेन रोड है वो नालों में तब्दील हो चुके हैं। हम लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आए दिन एम्बुलेंस से हम लोग जब अस्पताल की एम्बुलेंस आती है तो हमारे घर तक नहीं आ पाती है, हम लोगों को गोदी में उठाकर बच्चों को महिलाओं को वहां तक बाहर ले जाना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे गाँव की बनी हुई है। गुरफान खान जी, आज के इस 21वीं सदी में अगर अभी भी सड़कें नहीं बन पाई, बिजली नहीं आ पाई है तो ये तो बड़ी समस्या है। समय की कमी है। के न्यूज से जुड़ने के लिए और के न्यूज से बात करने के लिए समाज सेवक गुरफान खान जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शाहजहांपुर से समाज सेवक गुरफान खान जी, जो हमारे रोजगार का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारी खास पेशकश में इतना ही, फिलहाल आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। परंपरा से मिला नवाचार, ग्रामीण व्यवस्था ने पहना सरकारी जामा, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी होगा पुनर्जीवित, सुराजी गांव योजना लेकर आई सरकार, फसल बचाने को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल, रोका छेका। सबसे पहले जरूरी है हमारे फसल के बचाए के, एकर बर रोका छेका जरूरी है। सरकार की ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के खर्चा किए गए, हमारे जैविक खातों में बनी आजीविका के अनेक प्रकार के व्यवस्था किया जाए, इसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले का आवश्यकता है। सुराजी गांव योजना में बने गोठानों को अधिक उत्पादक बनाने, खुले घूम रहे पशुओं को बचाने के लिए आया रोका छेका। रोका छेका से बचेगी फसल, बढ़ेगी आय, पशु धन की भी होगी अच्छी देखभाल। माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव, नंबर 1 इन एकेडमिक्स, नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपाड़ी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित, 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिशु शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हफ्ता डायरी में।
जिसमें हम आपको दिखाएंगे तमाम वो बड़ी और खास खबरें जो कि इस हफ्ते चर्चा का विषय बनी। फिर चाहे बात हो चीन की नापाक हरकत की या फिर हो कोरोना काल के बाद पेट्रोल के दामों में लगी आग की, इन तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। चलिए नजर डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर। पहले हम बात करेंगे चीन की कायराना हरकत की, जिसकी वजह से 15 जून को भारत ने अपने कर्नल समेत 20 जवानों को गंवा दिया। चीन को भारत मुंह तोड़